जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। मामला है हमीरपुर जनपद की मोदहा थोक सब्जी मंडी का, जहां पर आज सब्जी मंडी थोक व्यापारी यूनियन का सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इकराम राइन को निर्विरोध अध्यक्ष जबकि मोहम्मद इरशाद राजू भाई को उपाध्यक्ष पद पर चुना गया। साथ ही जबकि महामंत्री पद पर मोहम्मद अशरफ राजू और कोषाध्यक्ष पद पर जमशेद किरमानी को चुना गया। चुनाव अभी थोक व्यापारियों की उपस्थिति में संरक्षक मंडल की सहमति से किया गया। संरक्षक मंडल में हाजी कदीर अहमद और नईम भाई गब्बर रहे। वहीं नव निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संगठन में सहयोग और भाईचारे के साथ व्यापारियों के हित में संघर्ष को अपनी जिम्मेदारी बताई। आज सब्जी मंडी यूनियन का चुनाव हुआ है, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? इस सब्जी मंडी यूनियन के चुनाव में मुझे उपाध्यक्ष का पद दिया गया है और हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे यहाँ एकता बनी रहे। और इस सब्जी मंडी में जो समस्याएं एक साल से जिस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, पानी, लाइट, जानवर, कोई सुविधा यहाँ है नहीं, तो इसके बारे में हमें बहुत लड़ाई लड़ ली है अभी। इसलिए आज सब्जी मंडी की एकता बनी हुई है, यूनियन गठित की गई है और कल से इस मंडी की हित की लड़ाइयाँ शुरू करेंगे। सब्जी मंडी यूनियन का अध्यक्ष बनाया है तो आप व्यापारियों के हित में क्या करना चाहेंगे? मुझे सभी थोक मंडी व्यापारियों ने मिलकर चुना है, जिस लायक मुझे उन्होंने आज समझा है, मैं कोशिश करूंगा कि सभी जितने मेरे व्यापारी हैं उनके हक में ही मैं काम करूं। कोई ऐसा काम ना करूं, किसी को निराश नहीं करूंगा और हमेशा यही मेरा रहेगा कि सबको एकता बनाकर रखूं और सबको एकजुट करके रखूं। कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, कोशिश यही करूंगा, किसी के ऊपर कोई भी हित वाला काम नहीं करूंगा, यही मेरी हमेशा रहेगा। इसी के साथ जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल के ऐप को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। एक बार फिर दिन भर की खबरों के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।